रंगरेज की आवाज न्यूज में आप सभी दोस्तों का खैर मकदम है। भारत के पहले शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्ला अलैह, आज पूरी दुनिया उनको मिसाइल मैन के नाम से जानती है। सारी दुनिया को पता है कि इन्होंने कैसे भारत के दुश्मनों को धूल चटा दी थी, और उस वक्त जब लोगों के पास में कोई सहारा, कोई औजार ऐसे नहीं थे जिससे वो जंग लड़ के जीत सकते थे, उस वक्त इन्होंने ईजाद की थी मिसाइल बना के लोगों को एक नया आविष्कार दिया था। पहले साइंटिस्ट इन्हें कहा जाएगा मिसाइल मैन के लिए भी। इन्हीं टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की याद में एक प्रोग्राम बालापुर के लोटनपुर में एक चौक का अनावरण किया गया कुछ युवकों के हाथों। देखिए पूरी न्यूज़। सुप्रसिद्ध गणपती नेत्रालय जालना येथील 5 वर्षांच्या मोतीबिंदू व नासूर या आजारांवरील यशस्वी शस्त्रक्रियांच्या प्रदीर्घ अनुभवानंतर आपल्या सेवेमध्ये अत्याधुनिक सुविधायुक्त डॉक्टर निलेश वानखडे, मोतीबिंदू व नासूर तज्ज्ञ, वानखडे नेत्रालय। उपलब्ध सुविधा: अत्याधुनिक सुविधांयुक्त ऑपरेशन थिएटर, विना इंजेक्शन मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने फक्त 15 मिनिटात मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, फेको इमल्सिफिकेशन सर्जरी, इम्पोर्टेड व इंडियन लेन्सेस उपलब्ध, नासूर निदान व शस्त्रक्रिया, नासूर करिता स्वतंत्र ऑपरेशन थिएटर व्यवस्था, आधुनिक तंत्रज्ञानाने पडद्याची शस्त्रक्रिया, तिरडेपणाचे निदान व उपचार, लहान मुलांच्या डोळ्यांची संपूर्ण तपासणी व उपचार, काचबिंदू निदान व उपचार, मागच्या पडद्याचे निदान व उपचार, शुगर असलेल्या रुग्णांच्या डोळ्यांची संपूर्ण तपासणी व उपचार, सुसज्ज सुविधांयुक्त चष्माघर व मेडिकल, सुसज्ज वार्ड व्यवस्था, स्पेशल रूम व एसी रूम। संपर्क 8379862010। पत्ता: पहिला मजला विद्यासागर कॉम्प्लेक्स, बँक ऑफ बडोदा समोर, अमानखा प्लॉट, अकोला। हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह चौक लोटनपुर का उद्घाटन मनसब खान के हाथों किया गया। इस उद्घाटन के मौके पर मोहम्मद जाफर, तौसीफ खान, अब्दुल वहाब, अब्दुल शकील, मोहम्मद मज़र, सैयद एफाज, शेख मज़र, शेख नज़ीर, शेख आसिफ, इकरार खान, मोहम्मद मुजफ्फर, राजी कुरेशी, रिजवान कुरेशी, मुजफ्फरनगर, लोटनपुर, बालापुर की जानी मानी हस्तियाँ भी इस मौके पर उपस्थित थी। सभी ने एक दूसरे को मिठाई बाँट कर हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह चौक पर खुशी का एक नज़ारा पेश किया गया, जिस पर हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह भारत के पहले शहीद के नाम पर इस चौक का अनावरण कर सभी लोग खुशी के अंदर नजर आए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग राष्ट्रीय अध्यक्ष नदीम जावेद के ऊपर जानलेवा हमला किया गया। इसकी चौकसी करने की मांग अकोला के शहर उपाध्यक्ष महमूद खान दाऊद खान ने की है। अकोला जिला अधिकारी के मार्फत गृह मंत्री राजनाथ सिंह को एक निवेदन दिया गया, जिसमें जावेद नदीम के ऊपर हमला करने वालों पर कड़ी कार्रवाई के माध्यम से गृह मंत्री राजनाथ सिंह साहब को एक निवेदन दिया, जिसमें बताया गया है कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष जनाब नदीम जावेद साहब पे 11 तारीख के दिन दहाड़े इंडियन इस्लामिक सेंटर के बाहर कुछ गुंडों ने हमला किया, उसका अकोला शहर अल्पसंख्यक कांग्रेस कमेटी निषेध करती है। इसकी वजह से हमने जिलाधिकारी साहब के माध्यम से गृह मंत्री साहब को निवेदन दिया कि उन गुंडों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें, वरना पर्दे अध्यक्ष साहब के हुक्म के मुताबिक हम पूरे जिले के अंदर आंदोलन करेंगे। इस मौके पर उपस्थित अफरोज लोदी, नाजिम सैयद, अमीर मलिक, एहसान, सोहेल एजाज, आसिफ खान, असलम शाह, शेख बिलाल, शेख मजीद, जाकिर अहमद, नसीम पहलवान। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, जिस पे जाके आप हमारा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं आपको न्यूज़ में क्या देखना पसंद।